ऑडियंस को बताइए क्या इसका इम्पोर्टेंस है। सी, जैसे कि आप सब हर्बल वर्ड यूज़ करते हैं तो उससे ही पता चल जाता है कि हर्बल मतलब सेफ है। तो होली जो हम लोग आजकल टाइम टू टाइम कन्वर्ट होके केमिकल्स में ज़्यादा केमिकल कलर यूज़ करते हैं तो उसे हम लोग नेक्स्ट डे हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो हम लोगों ने सोचा कि इसे हर्बल वे में सेलिब्रेट करें, लेकिन हर्बल के दौरान लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सोचा कि गुलाल से खेले, बट उसमें भी काफ़ी ज़्यादा केमिकल्स मिल रहे हैं। तो हमने सोचा नेचुरल वे में जो हो सके और हमारे आसपास में इजी अवेलेबल हो, तो इसीलिए हमने इसमें लोगों को बताना चाहते हैं कि आप हल्दी, चंदन, मुल्तानी मिट्टी ये सारी चीज़ों से खेलो, क्योंकि कृष्ण भगवान जब खेलते थे तो तभी ये सारी चीज़ें यूज़ करते थे। तो हम लोग जब टाइम टू टाइम अपने आप को ज़्यादा केयर करते हैं, नेचुरल चीज़ें खाने लगे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग होने लगी है, तो वाई नॉट होली जैसे ऐसे त्यौहार को हम हर्बल वे में, ऑर्गेनिक वे में सेलिब्रेट करें। अभी के टाइम में कितनी इम्पोर्टेंस है हर्बल होली की, क्योंकि आप देख ही रहे हैं जिस तरह का माहौल चल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की बात करें या फिर कोविड तो है ही, तो क्या कहना चाहेंगे इस समय में कितना इम्पोर्टेंट है? सी, अभी जैसे तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम सब अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना चाहते हैं, इम्यून सिस्टम डेवलप करना चाहते हैं, तो केमिकल से जितना हो सके हम दूर रह सकते हैं और हम उसको कोशिश भी कर रहे हैं। तो अभी इस टाइम में जैसे लोगों ने कोविड के सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा इम्यून स्ट्रॉन्ग करने के लिए हल्दी वल्दी यूज़ किया, तो हम लोगों को यही बोलेंगे कि आपके मुँह में अगर ये सारे जाते भी हैं प्रोडक्ट्स तो आपके लिए कोई हार्मफुल नहीं है, ये टोटली हार्मलेस है आपके स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि होली खेलने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा लोगों के स्किन डिजीज़ होते हैं, तो ये सबसे बेस्ट है आज। और आजकल के टाइम में तो हम सब अपने आप के लिए इतना ज़्यादा केयरफुल रहते हैं, तो मैं मानती हूँ कि हर्बल होली आज के जनरेशन के लिए, आज के टाइम के लिए सबसे बेस्ट है। राजेश सर, आपसे जानना चाहूँगा, 10 साल हो गए, कितना चैलेंजिंग था आपके लिए टू कन्वर्ट विजन इनटू मूवमेंट? ये 10 साल बहुत स्ट्रगल था, क्योंकि लोग पहले से ही केमिकल में खेलते आ रहे हैं, तो एक नई चीज़ जब हम इंडिया में लाते हैं तो एक स्ट्रगल होता है, बट ये स्ट्रगल के साथ लोग मिलते गए, बहुत सारे बड़े बड़े लोग को उसको खुल के आगे आए, वीडियो बाइट दिए, और हमारे साथ बहुत मिनिस्टर से लेके सेलिब्रिटी से लेके सब लोग ने मिला, और ये आने वाला कल में ये पूरा इंडिया कन्वर्ट होगा, ये हमारा विश्वास है। विकी जी, आपसे जानना चाहूँगा, जैसे मैंने स्वप्ना जी से पूछा था, अभी के टाइम में कितना इम्पोर्टेंट है इस तरह का एक इनिशिएटिव कहेंगे हम इसको? आई थिंक सो, दिस इज़ द राइट टाइम फॉर एवरीबडी, मीन्स हम कहते हैं कि बी इंडियंस, तो वाई नॉट बी इंडियंस, वाई यूज़ ऑल आउटसाइड कंट्रीज प्रोडक्ट्स? ये हमारा खुद का इंडिया का प्रोडक्ट है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, खुद को सेफ रखता है, टेक्स केयर ऑफ द स्किन, और इतने अच्छे रेवोल्यूशन में चल रहा है, 10 साल की मेहनत आज अगर रंग ला रही है, तो वाई वी शुड नॉट यूज दिस एंड प्रोटेक्ट आर पीपल्स, आर फैमिली एंड सराउंडिंग्स? सो आई वुड सजेस्ट दैट हर्बल होली प्लेइंग विद दिस प्रोडक्ट्स इज द बेस्ट। करण जी, आपसे जानना चाहूँगा, एज एन एक्टर सेलिब्रिटी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं टू इनिशिएटिव एंड मतलब ऑडियंस तक पहुँचाने के लिए इस इनिशिएटिव को, तो आप क्या मानते हैं कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर द सेलिब्रिटीज? बिल्कुल है, एक्टर अगर कोई बात कहता है तो थोड़ा सिंसियरली लोग लेते हैं, और डेफिनेटली चूँकि स्वप्ना सेलिब्रिटी हैं प्लस एंटरप्रेन्योर हैं, एनजीओ चला रही हैं, और राजेश जी उनके साथ मिलकर अगर सही है, लोग इतनी अच्छा, ये इतना अच्छा प्रोडक्ट है, मुझे ऐसा लगता है कि इसकी अवेयरनेस जितनी ज़्यादा आप लोगों के माध्यम से, क्योंकि आप अब इसके बाद बॉल आपके कोर्ट में होगी, प्रेस के कोर्ट में होगी, आप लोगों के हाथ में, इसको जितना अवेयर कर सकें इस चीज़ को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली मेरी अपनी फैमिली में 4 साल पहले, मैं इलाहाबाद का हूँ, वहाँ पर आँख में चला गया था, वो आज तक क्योर नहीं हो पाया, अभी भी प्रॉब्लम है। तो मैं तो इस चीज़ का भुक्तभोगी हूँ, तो मैं तो बिल्कुल कह सकता हूँ कि इस चीज़ को जितना ज़्यादा अवेयर किया जाए और जितना ज़्यादा लोग इसका इस्तेमाल करें, ये सबके लिए सेफ है, नॉट फॉर ओनली सेलिब्रिटी, हम तो अपनी स्किन बचा लेते हैं, कर लेते हैं, लेकिन जो नॉर्मल लोग हैं, जो जब वो, जैसा भाई साहब ने स्टेज पर भी कहा कि जिस वक्त हम होली खेल रहे होते हैं उस वक्त हम ध्यान नहीं देते हैं, उस वक्त जोश में कर जाते हैं, बाद में उसका सेकेंड डे, थर्ड डे मालूम पड़ता है कि बाप रे ये क्या गड़बड़ कर ली हमने, तो उस चीज़ को बचाने के लिए डेफिनेटली ये बहुत बड़ा मोमेंट है, और इसको हम सबको सपोर्ट करना चाहिए।
मानस जी आपसे जानना चाहूँगा, 10 साल से हिस्सा रहा है इस मूवमेंट का, कितना प्राउड फील होता है और क्या क्या चैलेंजेस आप लोगों ने फेस किए हैं इतने इतनी लंबी जर्नी तय करने के लिए? चैलेंजेस तो बहुत ही था। जब कोई ट्रेडिशन पहले से ही होता है ना, तो उसको कॉन्ट्रेडिक्ट करके कोई नया चीज़ जब आप अगर लॉन्च करते हैं तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज फेस करना पड़ता है। लेकिन आज सिचुएशन ऐसा हो चुका है ऑलरेडी कि कोविड की वजह से आप बहुत सारे लोग खेलना बंद कर चुके हैं, बहुत सारे लोग छूना ही बंद कर चुके हैं। तो ये सबसे बढ़िया राइट टाइम था, हमारा जो विजन था वो आज उसका कॉज का इम्पोर्टेंस पता चला लोगों को, इसीलिए मुझे बहुत खुशी होती है। बेसिकली देखा जाए तो यही था हमारा एक्चुअली ओरिजिनल ट्रेडिशन, धीरे धीरे मैनिपुलेटेड होते होते वो तो केमिकल डाइज में कन्वर्ट हो गया। कलर एक्सट्रैक्शन जो पहले होता था होली में वो ऐसे ही होता था, हर्बल प्रोडक्ट फूड एंड हब से होता था। तो कहीं ना कहीं हमने वो पुराना ट्रेडिशन जो हमारा कृष्ण भगवान जी के टाइम पे चल रहा था, उसी टाइम से शुरू हुआ था, वही ट्रेडिशन को हमने रीपैकेजिंग किया है आज के ज़माने में। तो इसलिए बहुत खुशी महसूस होता है कि चलो एक विजन था 10 साल पहले और आज एक सक्सेसफुल मूवमेंट में कन्वर्ट हो चुका है। स्वप्ना जी आपसे जानना चाहूँगा, इसकी शुरुआत